देखो मैं बार बार यही कहूंगी कि यह सरकार का मसला है, यह सरकार का काम है। मैं एज ए कमीशन की चेयरपर्सन तो उन्हों की मदर के नाल दुख साझा कर परिवार के नाल आई सी, क्योंकि मेरी मैं जानती नहीं सी। मैं फोन किया मूसेवाला इलेक्शन तो पहला, तो बड़ा मेरे लिए बहुत ही दुखद है कि वह माँ उत्ते एक गीत गाने वाले से। मैं उन्होंने कहा कि एक माँ उत्ते गीत गाओ। मैं पहले फोन किया उदो संदीप गर्ग SSP सन इधर, तो उन्होंने मैंने कहा मैडम जी वो बाहर गए हुए हैं, बाहर के टूर पर ने। फिर दोबारा मेरी गल हुई उन्होंने वापस आने तो बाद, तो उन्होंने मैंने कहा मैं मैडम जी तुहाडा फैन वाँ। मेरे फादर साहब भी दसते कि असी तुहानू भी मिलना चाहते सी, तुसी आए सी ते रश बड़ा सी उदो असी तुहानू मिल नहीं पाए। तो मेरे मैं अज जो कुछ हाँ अपने माँ की वजह नाल अपने फादर की वजह नाल हाँ, तो इहो जिहा गीत गाऊँगा और तुहाडी कमीशन ते आके ही असी अपनी माँ नूं लिहा के असी इहनूं लॉन्च करांगे। किवें देख लो जी इन्ने हाईली मॉडरेटेड वैपन जिहड़े पंजाब दे विच आ रहे ने, कितना कितें प्रशासन दा फेल मानदे हो? देखो जो भी है इह सरकार दा काम है देखना, मेरा काम सी एज ए कमीशन की चेयरपर्सन, क्योंकि मैं उन्हां नाल मैं बड़े उह हंबल सन ते मेरा एक कंसर्न जुड़िया होया सी एक औरत दे नाते कि एक माँ दे नाते कि माँ उत्ते गीत गाने वाले सन। उन्हां दा सपना करण ओजला ने मेरे नाल वादा किया वो पूरा करनगे, उन्होंने करण ओजला ने मेरे नाल वादा किया कि वो गाएंगे पूरा करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो पहले करण ओजला ने भी मेरे नाल एक वादा किया होया है। मेरी उन्होंने फोन पर गल हुई कि वो माँ उत्ते एक गीत गाएंगे, असी उन्होंने कहा सी ते वो मूसेवाला का सपना पूरा करेंगे करण ओजला। पोस्टर बड़ा ज्यादा हाँ मैं देखा पोस्टर, पर मैं कहनी हाँ कि यह खुजा दुख किसी भी माँ प्यो ते ना आवे साडे पंजाब विच की पूरी दुनिया विच, कि किसी भी प्यो नू अपनी पग ला के शुकराना दुनिया दा करना पए। ते पग नहीं लथनी चाहीदी चाहे वह कोई भी होवे किसी दे सिर तो, शुक्रिया अदा करन लई ना ते कोई धी व्याहन वक्त सिर तो पग लथनी चाहीदी, ना किसी दे पुत दे गम विच पग नहीं सिर तो लथनी चाहीदी। साडे आपां जिन्ने भी पंजाब दे लोग आ या इंडियंस लोग आ इमोशन दे सिर ते ही खड़े होए आ, ते बड़ा दुखद है, बहुत दुखद है। मैनू मूसेवाले दे जान दा बहुत दुख है कि एक गबरू जवान माँ प्यो दा कला कला जवान चला गया। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਪਰੈਸੀ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੇਖਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏ। देखो मैं बार बार यही ही कहूँगी कि यह सरकार का मसला है, यह सरकार का काम है। मैं एज ए कमीशन की चेयरपर्सन तो उन्हों की मदर के नाल दुख साझा कर परिवार के नाल आई सी, क्योंकि मेरी मैं जानती नहीं सी। मैं फोन किया मूसेवाला इलेक्शन तो पहला, तो बड़ा मेरे लिए बहुत ही दुखद है कि वह माँ उत्ते एक गीत गाने वाले से। मैं उन्होंने कहा कि एक माँ उत्ते गीत गाओ। मैं पहले फोन किया उदो संदीप गर्ग SSP सन इधर, तो उन्होंने मैंने कहा मैडम जी वो बाहर गए हुए हैं, बाहर के टूर पर ने। फिर दोबारा मेरी गल हुई उन्होंने वापस आने तो बाद, तो उन्होंने मैंने कहा मैं मैडम जी तुहाडा फैन वाँ। मेरे फादर साहब भी दसते कि असी तुहानू भी मिलना चाहते सी, तुसी आए सी ते रश बड़ा सी उदो असी तुहानू मिल नहीं पाए। तो मेरे मैं अज जो कुछ हाँ अपने माँ की वजह नाल अपने फादर की वजह नाल हाँ, तो इहो जिहा गीत गाऊँगा और तुहाडी कमीशन ते आके ही असी अपनी माँ नूं लिहा के असी इहनूं लॉन्च करांगे। किवें देख लो जी इन्ने हाईली मॉडरेटेड वैपन जिहड़े पंजाब दे विच आ रहे ने, कितना कितें प्रशासन दा फेल मानदे हो? देखो जो भी है इह सरकार दा काम है देखना, मेरा काम सी एज ए कमीशन की चेयरपर्सन, क्योंकि मैं उन्हां नाल मैं बड़े उह हंबल सन ते मेरा एक कंसर्न जुड़िया होया सी एक औरत दे नाते कि एक माँ दे नाते कि माँ उत्ते गीत गाने वाले सन। उन्हां दा सपना करण ओजला ने मेरे नाल वादा किया वो पूरा करनगे, उन्होंने करण ओजला ने मेरे नाल वादा किया कि वो गाएंगे।
ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਪੋਸਟਰ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੋਲੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੁਜਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ 'ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਅਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧੀ ਵਿਆਹ ਵਕਤ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੱਗ ਲੱਥਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੱਥਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਲੋਕ ਆ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁੱਖਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਜਵਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਪਰੈਸੀ ਸੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਇਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਬੀਇੰਗ ਏ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਏ